नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब से उद्धव ठाकरे ने शपथ ली है, वह भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते जा रहे हैं, बातों से नहीं अपने कामों से। लगातार ऐसे काम करते जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही थी, और वह उसको लगातार उसको बैकफुट पर डालते जा रहे हैं, उन प्रोग्रामों को नष्ट करते जा रहे हैं, उन कार्यक्रम उन योजनाओं को सिरे से खारिज करते जा रहे हैं, चाहे वो आर के कॉलोनी को लेकर हो, जिसमें जब उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा हो गया था, वह भी वापस ले लिया, और स्टे भी लगवा दिया है आर के कॉलोनी में जो मेट्रो शेड के लिए पेड़ों की कटाई होनी थी, तो स्टे भी लगवा दिया है। लेकिन अब नया काम किया है जिससे RSS को झटका लगा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगा होगा। अब आपको बता दें कि RSS का एक शोध संस्थान है जिसमें 105 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 1.5 करोड़ रुपए शुल्क देना था, लेकिन फडणवीस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इस शुल्क को माफ़ कर दिया था। उस ज़मीन का जो स्टाम्प शुल्क था 1.5 करोड़ रुपए, वह नहीं देना पड़ रहा था इस संस्थान को। यह RSS का एक संस्थान है, यह भारतीय शिक्षण मंडल, जो कि RSS की शाखा है, भारतीय शिक्षण मंडल, इसके द्वारा इससे संबंधित ये संस्थान है, और इसको 1.5 करोड़ रुपए की राशि जो शुल्क की देनी थी, स्टाम्प शुल्क की, वह फडणवीस सरकार ने माफ़ कर दी थी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार में आते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, लगातार बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे उन्होंने किसानों के लिए कहा कि जितना भी कर्ज किसानों के ऊपर है वह उसे माफ़ कर देंगे, और 80% रोज़गार उत्पन्न करेंगे स्थानीय लोगों के लिए महाराष्ट्र के अंदर। ये एक बहुत बड़ी योजनाएँ हैं, यदि ये ज़मीन पर कारगर साबित होती है तो उद्धव ठाकरे आने वाले कई दशक तक शायद महाराष्ट्र की सत्ता पर आसीन रह सकते हैं। लेकिन कहीं यह खबर झूठी साबित होती है तो शायद उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत होगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने आर के कॉलोनी के विषय में संबंध में फैसला लिया है, अभूतपूर्व फैसला है, जिस तरह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे को वापस लिया है, जो कि फडणवीस सरकार ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी थी, और प्रदर्शनकारी जो कि पेड़ों को बचाने की बात कर रहे थे, वातावरण की बात कर रहे थे, जैसा जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो चुका है, ग्रेस पीरियड से भी नीचे जा चुका है, यानी कि अब उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं मरने वालों की संख्या से प्रदूषण से ही होगी, ना कि किसी अन्य नाना प्रकार की बीमारियों से। तो इस संबंध में हम बताएंगे, जिस तरह 1.5 करोड़ रुपए का शुल्क देना था उसको रद्द कर दिया है उद्धव सरकार ने, जिससे काफ़ी निराश हो रही है, खुद संघ परिवार नाराज़ है, खुद भारतीय जनता पार्टी नाराज़ है। उद्धव ठाकरे का ये फैसला अभूतपूर्व माना जा रहा है, जिस तरह वह लगातार पूर्व सरकार की योजनाओं को रद्द करते जा रहे हैं, जो योजनाएं उनको लगता था कि शायद राज्य के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है, उन योजनाओं को रद्द करते जा रहे हैं। आप हमें बताएं, क्या उद्धव सरकार का, उद्धव ठाकरे का यह फैसला लेना जायज़ है या नहीं है, या फिर उनके इस फैसले से, जो फैसला ये एक बदले के रूप में हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके 50-50 फार्मूले को नहीं माना, तो क्या यह एक प्रकार का बदला हो सकता है, या फिर वो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में हमें राय अपनी ज़रूर स्पष्ट करें, और बताएं कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और किस तरह के फैसले लेंगे, और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो उद्धव सरकार के निशाने पर रहेंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगातार वह निशाने पर लेते रहेंगे? लेकिन आपने मौजूदा दिनों में देखा कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि वह हिंदुत्व की विचारधारा को बिल्कुल नहीं छोड़ा है उन्होंने, लेकिन बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और यह कहना भी चाहिए, उनकी विचारधारा है, उनकी पार्टी की विचारधारा है, उस पर चलना उनका फ़र्ज़ है। लेकिन यदि कोई यह सोचता है कि RSS के कामों में टांग अड़ाना, या फिर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बैकफुट पर लाना हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है, तो सोचना गलत होगा। ये हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ नहीं है, एक ढोंगी सरकार का पर्दाफाश कर रही है आज उद्धव सरकार, जिस सरकार ने महाराष्ट्र को 5 सालों में बर्बाद कर दिया, किसानों को कगार पर लगा दिया है, उस योजनाओं का सफल रूप ला रही है उद्धव सरकार। तो अगर यदि आप इससे यह निकालते हैं कि भाजपा के की आलोचना करना, RSS के कार्यों में बाधा डालना, यह हिंदुत्व के खिलाफ है, तो यह गलत है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह कहा था कि वह हिंदुत्व पर कायम है, शायद वो कायम रह सकते हैं, और यदि हिंदुत्व पर वो कायम रहकर कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि राज्य पे बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा एक अच्छी विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा अमन शांति की विचारधारा है, उद्धव ठाकरे इस पर चलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे की यह कार्य जायज़ है या नहीं है, इस संबंध में अपनी राय हमें कमेंट में या मेल में दे सकते हैं। यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।